और तो ठीक ही ठाक है। ये अंदर का थोड़ा गंजा हो गया है मेरा, पता है। हाँ ये देखो पूरा टकला हो गया है। ये देखो भाई धूम मचाले गड्डी चल रही है, देख रहे हो भाई साहब। परसों खाना हुआ। हाँ करो टाइट, करो और करो खाने में भाई। ये फ्राई चावल और ये रहा दाल और ये रहा सेव भाजी। जय जोहार, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे नए ब्लॉग में स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय हम कहाँ पर हैं? ये वाला रोड आपका जाएगा सीधा सीधा भाई घर घोड़ा और जा रहे हैं भाई। और अपने वाली भाई गाड़ी एक और आ रही है जो कि भाई पीछे में है। तो मैं सोचा भाई रोक लेते हैं, ब्लॉग शूट कर लेते हैं, क्योंकि दिन के करीबन बज चुके हैं, दिन के मतलब सुबह के करीबन 11 बज चुके हैं। इसके वजह से भाई बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। मैं सोचा शूट कर लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे धीरे धीरे। खैर दिन भर तो गाड़ी चलानी ही चलानी है। और पसीना देख रहे हो दोस्तों कितना ज़्यादा बह रहा है भाई, क्या ही बोला जाए। मतलब यार इधर रोड ख़राब था, इसके वजह से शीशा लगाना पड़ा, और मेन बात गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं सोचा भाई छाया में रोक लेते हैं गाड़ी को, जो कि देख सकते हो छाया में रोक लिए हैं। थोड़ा उतरते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं भाई। और अपना माल भी बहुत ही ज़्यादा दब चुका है जो कि देख सकते हो। और पट्टा भाई बहुत ही बढ़िया है यार, मस्त काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो उधर बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ रही है दोस्तों, ये भी टाइट है। पीछे से कैसा दिख रहा है? गुड गुड, सभी सब सब चीज़ ठीक दिख रहा है दोस्तों। और सामने से आप लोगों को शो दिखा देते हैं भाई, मैंने कल साफ़ सफाई की थी लेकिन अभी धूल में फिर पूरी ख़त्म हो गई होगी। ये देख रहे हो थोड़ी धूल भी बैठ गई है, और गाड़ी कुछ इस तरीके की दिख रही है अपनी, जो कि देख सकते हो भाई, है ना। आप लोग बोल रहे हो भाई पुरानी है, पुरानी है गाड़ी, है किस एंगल से पुरानी दिख रही है? इतनी बढ़िया गाड़ी को यार आप लोग पुरानी बता रहे हो, है अंदर से भी साफ सफाई कर दिए हैं। ये थोड़ा बहुत धूल अभी उतरने चढ़ने में हो गया, और बाकी जो कि ये देख सकते हो। और पीछे में इसको लगाएंगे भाई पीछे में, और बाकी इधर देख सकते हो सामने में बढ़िया है। ये वाला हरा वाला मैट लगा दिए, ये भी बढ़िया दिख रहा है। और इसमें पड़े हुए हैं इमोजिस जो कि लगाएंगे इनको भी शीशे में यहाँ पर। फिर अपनी गाड़ी भाई चकाचक हो गई, तो कुछ इस तरीके का है दोस्तों। और वेट कर रहे हैं भाई ड्राइवर का, कितने टाइम तक आए भाई। थोड़ा शीशा उसा भी खोल लेते हैं, उस साइड का थोड़ा हवा आ जाए गाड़ी में। तो आ रही है दोस्तों जो कि देख सकते हो वो वाली गाड़ी अपनी, जिसको मैं चला रहा था अभी 15 दिन पहले। तो आ गई दोस्तों अपनी दोनों गाड़ी भाई, जो कि देख सकते हो। वो वाला जो माल देख रहे हो ना ऊपर वाला, वो वाला खसक रहा था 2-3 पीस, जो कि आपसी आ जा रहे थे, इधर सामने आ जा रहे थे। तो वहाँ पर अंकल ने भाई तिरपाल बांध दिया, तिरपाल बांधने के बाद एक भी माल नहीं खसक रहा है ना अब। हाँ नहीं तो पूरा आगे आ गया था, केबिन से इधर आ गया था माल। बांस भी बढ़िया लगा रखा यार, टूटा नहीं है, नहीं तो हर बार का मेरा बांस भी टूट जाता था इसमें का। नहीं चिरक गया है देखो यहाँ पर, ये देखो हाँ टूट तो गया है, बस वो वाला मजबूत है, बाकी सब मजबूती मजबूत लग रहा है। तो चलते हैं, कैसे करेंगे? चलो चलते हैं, और क्या सीधा तपकरा में रुकेंगे क्या? और नहाएंगे कहाँ पर नहाएंगे? उधरी नहाएंगे क्या? उधरी नहाएंगे तालाब में नहाएंगे कि वहीं ढाबा में? चलो ठीक है, ऐसा भी है तो चलते भाई यहाँ से कंटिन्यू निकलते हैं सीधा सीधा तपकरा, कहीं पे नहाने के लिए रुकते हैं। और बाकी अपना टायर और तो ठीक ही ठाक है। ये अंदर का थोड़ा गंजा हो गया है मेरा, पता है। हाँ ये देखो पूरा टकला हो गया है। मांगूंगा मिश्रा से टायर मांगूंगा, अभी माल है उसमें। हाँ माल है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, रिमोल्डिंग है ना इसके वजह से। तो चलते भाई निकलते हैं यहाँ से अभी, कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहो। जितने बंदे नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ट्रैकिंग लाइफ से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है, ठीक है। और रेडियम उडियम भी लगवाना है यार।
चल दिए दोस्तों धूल धक्कड़ वाली रोड में, जो कि भाई देख सकते हो यार इतना ज्यादा धूल उड़ रहा है। खैर मैंने शीशा उसा बंद कर रखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो भाई इतना ज्यादा धूल उड़ रहा है ना कि नाक पे जम जाएगा ये। ये देखो भाई धूम मचाले गड्डी चल रही है, देख रहे हो भाई साहब धूल ही धूल हो गई अपनी गाड़ी तो। थोड़ी सादा स्टीयरिंग भी है दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यार, क्या करें जिंदगी में भाई, दुख सुख लगा रहता है यार। दोस्तों रुके हुए थे भाई जंगल में भाई नाश्ता उस्ता करने के लिए, क्योंकि भाई भूख भी लग रही है, करीबन 12 बज चुके हैं और यहाँ से 1 से 1.5 घंटा लगेगा हमको ढाबा पहुँचते हुए। तो चलते भाई नाश्ता उस्ता करते फिर उसके बाद निकलेंगे, और सामने भी लगी अपनी गाड़ी, पीछे में भाई नाश्ता का दुकान। क्या क्या है भाई नाश्ते में? बड़ा लगाओ एक जगह, दो जगह लगाओ, आप भी खाओगे ना बड़ा, दो जगह लगाओ बड़ा खाते हैं। अब बैठो ना यहाँ पर तो चटनी उटनी देवगा, ठंडा हो गया यूं ना, तो ठंडा हो जाएगा ना, परसों का बना हुआ है परसों का बना हुआ है तीखा डाले इसका मिर्चा डाले इतना हाँ मिर्चा सब डाले खा के देखा ले तीखा तो दबा कर दिया है ऐसे चाहिए धुआं निकलना चाहिए बढ़िया दिया लेकिन तो हो गया भाई अपना नाश्ता पानी और चल पड़े हैं यहाँ से, चलते हैं धीरे धीरे निकलते हैं भाई। ये जंगल इलाका में बढ़िया पड़ता है, मस्त होटल जो कि देख सकते हो अगल बगल में, तो यहीं पर रुक जाते हैं भाई नाश्ता उस्ता करने के लिए अपन। चढ़ जा गियर ना बदलना पड़े बस, अरे आराम से चढ़ेगी यार ये गाड़ी, तेरी की तो पहुंच चुके भाई तपकरा और मार रहे भाई गाड़ी में पानी उनी, जो कि वे देख सकते हो पानी भी चल रहा है बढ़िया यहाँ पर। तो दोस्तों अपना खाना पीना हो गया भाई और थोड़ा कसने के लिए आए, इसको कर दिया क्या ढीला, थोड़ा इसको प्रॉपर कर देता हूँ, बार बार ये निकल जा रहा है वाला पाइप दोस्तों। तो चलेंगे भाई, कल शाम के करीबन 4 बजने वाले हैं, खाना पीना खा के रेडी हो गए, बस अब निकलेंगे दोस्तों, थोड़ा इसको और कस लेते हैं, इसको ऐसे लगा के कसेंगे इस बार। तो कुछ इस तरीके से लगा दिया दोस्तों, अब सरकेगा नहीं क्योंकि गैप आ जा रहा था ना, इसके वजह से सरक रहा था बार बार। हाँ करो टाइट, करो और करो,
हो गया। तो दोस्तों यहाँ से सिमडेगा बचा हुआ है भाई 50 किलोमीटर और, जो कि भाई कंटिन्यू चल रहे हैं। पीछे अपनी गाड़ी आ रही है और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ रुकेंगे भाई, खूंटी उटी के आसपास में रुकेंगे, क्योंकि खूंटी से वो सीधा जमशेदपुर वाले रास्ते में चले जाएँगे और हम सीधा रांची चले जाएँगे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं भाई धीरे धीरे। तो दोस्तों रात के करीबन बज चुके हैं भाई 7:30 और आपका भाई पहुंच चुका है, सिमडेगा पार कर चुका है और रांची यहाँ से करीबन बचा होगा 100-120 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। तो मैं पानी उनी भरने के लिए रुक चुका था दोस्तों सिमडेगा पार करने के बाद में। एक तो पेट्रोल टैंकी पड़ता है जो कि देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है, नया नया है। तो मैं सोचा भाई पानी उनी भर लेते हैं फिर उसके बाद में निकलेंगे, पानी पूरा ख़त्म हो गया है, पानी रखना ज़रूरी है भाई गाड़ी में, ठीक है। तो चलते हैं भाई पानी उनी भर लेते हैं फिर उसके बाद में निकलते हैं रांची के लिए। तो घाटी पार कर रहे हैं दोस्तों, नाइट का समय है भाई जो कि देख सकते हो। मेरी एक साइड की लाइट ज्यादा तेज जल रही है, इस साइड की जली नहीं रही उतने खास, है ना। गड्डी नू बंद कर देते हैं। तो दोस्तों थोड़ी से पहले रुके हुए हैं भाई एक तो ढाबा में, जो कि इस जगह ढाबा का नाम है भाई प्रिंस ढाबा। तो यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ लगती है और अपनी गाड़ी एक और पीछे में लगी हुई है देखो। तो यहीं पर ही खाना वाना खा के भाई सोने का विचार है, उसके बाद में सुबह यहाँ से चलेंगे 5-6 बजे, तो टाइम से पहुंच जाएंगे भाई जगह पर जहाँ पर उनको गाड़ी खाली करनी है अपनी, ठीक है। तो चलते हैं भाई खाना वाना खा लेते हैं फिर उसके बाद में देखते हैं आगे का क्या होता है प्रोसेस सोने का, मतलब सोना तो वही है, ठीक है। देख सकते हो टेलर बहुत सारे लगे हुए यहाँ पर दोस्तों, ये देखो थोड़ा शीशा इसका चढ़ा देते हैं दोस्तों। खैर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अपनी सेफ्टी भाई अपनी सेफ्टी होती है, नहीं बस इतना काफ़ी है। तो चलते हैं भाई खाना वाना खा लेते हैं। तो आ चुके हैं भाई खाना वाना खाने के लिए, ऑर्डर भी मार दिए भाई, जो कि आज खाने में भाई ये फ्राई चावल और ये रहा दाल और ये रहा सेव भाजी और इधर बाकी सलाद। तो आज का खाना अपना यही है दोस्तों जो कि देख सकते हो आप लोग। तो खाएं उस्ताद जी, शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके। मैं तो चम्मच में खाता नहीं हूँ हाथ में खाता हूँ तो मेरा पेट भरा भरा लगता है, नहीं तो ऐसे नहीं। दाल ले लो, यहाँ का सेव भाजी ठीक लग रहा है मेरे को, ऐसे ही ठीक है नहीं। खाओ खाओ, ठीक बना है, मतलब सही है। तो स्टार्ट करो भाई, मेरे भी डालना सलाद, प्याज डाल दो ना, प्याज डालो प्याज बस। अरे बिल्कुल मस्त है, खाओ तो भाजी कैसा है, भाजी बढ़िया बनाए। भाजी
ठीक है दोस्तों, खाना वाना खाते फिर गाड़ी की तरफ चलते हैं भाई, फिर बात करते हैं आप लोगों से। तो हो गया भाई अपना खाना पीने, तो भाई चलते हैं आराम आराम करने के लिए। सुबह निकलेंगे 6-7 बजे यहाँ से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया यहाँ पर गाड़ी उड़ी भी लगी है, थोड़ा शीशा भी खोल के सो सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में जितना कुछ हुआ आप लोगों को मैंने दिखाया, तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।